स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। दिल्ली के संस्कार आश्रम से 9 लड़कियां गायब। दिल्ली की सड़कें बनी कूड़ा घर। राहगीरों के लिए मुसीबत बने आवारा पशु। सड़क किनारे घंटों लगी रही कूड़े के ढेर में आग। सोता रहा प्रशासन। अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली 1 और 2 दिसंबर की आधी रात में दिलशाद गार्डन स्थित संस्कार आश्रम से 9 लड़कियां गायब हो गई थी। आश्रय घर के अधिकारियों को उनके गायब होने की वजह और वो कैसे गायब हुए इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। उनकी अनुपस्थिति का पता 2 तारीख को चला। इस मामले में जेटीबी एनक्लेव पुलिस थाने में 2 दिसंबर को एक FIR दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली में MCD की हालत बेहद खस्ता हो चुकी है, जिसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में कूड़े की समस्या लोगों के लिए मुसीबत बनी जा रही है। जगह जगह कूड़े के जमा होने से लोगों का सड़क से आना जाना मुश्किल हो रहा है। राजधानी नई दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रशासन कितना लापरवाह है, इसका नजारा पूर्वी दिल्ली में देखने को मिला। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में नहर किनारे झाड़ी और कूड़े के ढेर में घंटों आग लगती रही, लेकिन प्रशासन को इसकी भनक भी नहीं पड़ी। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज़ लाइव देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS इंडिया ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।